किसान भाइयों नमस्कार। मैं विपिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कावेरी सीड्स कंपनी के साभा के टक्कर का लंबे अवधि का शानदार धान संपूर्णा केपी 108 के बारे में, जो अधिक पैदावार और खाने में स्वादिष्ट चावल की वजह से किसानों द्वारा बहुत अधिक पसंद किया जाता है। इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जो भाई अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, किसानी से संबंधित वीडियो YouTube पर सबसे पहले देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर भी करें। किसान भाइयों, कावेरी सीड्स कंपनी का साभा की तरह महीन धान कावेरी संपूर्णा केपी 108 बहुत ही अच्छी किस्म का बीज है, जिसे किसानों द्वारा बहुत अधिक पसंद किया जाता है। यह 135 से 140 दिन में पक कर कटाई के लिए तैयार हो जाता है। लंबे अवधि का होने के कारण यह सिंचाई वाले क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। इसके पौधे की ऊंचाई 110 से 115 सेंटीमीटर तक होती है। इसका तना मजबूत होने के कारण गिरने के प्रति सहनशील है। इसकी बाली लंबी, आकर्षक एवं गुच्छेदार होती है। बाली में दानों की संख्या भी अधिक होती है, जिससे यह सामान्य दशा में भी 25 से 27 कुंतल प्रति एकड़ तक पैदावार दे देता है। इसका चावल साभा की तरह महीन होता है। इसका चावल पकाने में उत्तम और खाने में स्वादिष्ट होता है। संपूर्णा केपी 108 लंबे अवधि का होने के बावजूद भी साभा से 10 दिन पहले ही पक कर कटाई के लिए तैयार हो जाता है। संपूर्णा केपी 108 साभा की तरह महीन होने के कारण साभा धान के रेट में ही बिकता है, जिससे इसका बाजार भाव भी अधिक मिल जाता है। एक एकड़ खेत की रोपाई के लिए 9 से 10 किलोग्राम बीज नर्सरी तैयार करने के लिए काफ़ी होता है। बीज की दुकान पर यह लगभग 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल जाता है। किसान भाइयों, कावेरी संपूर्णा केपी 108 साभा के टक्कर का महीन धान है, जो साभा से 10 दिन पहले ही पक कर कटाई के लिए तैयार हो जाता है। इसका चावल साभा की तरह बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत अधिक पैदावार भी देता है, अच्छे कंपनी का बीज भी है, इसलिए लंबे अवधि के धान की फसल से अधिक पैदावार एवं स्वादिष्ट चावल के लिए कावेरी संपूर्णा केपी 108 धान के बीज का चुनाव विश्वास के साथ कर सकते हैं। किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।